गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने बात की थी आपके पैरीमीटर की, आज हम पढ़ेंगे एरिया। एरिया क्या होता है? कोई भी आपका क्लोज्ड रीजन है, मान लीजिए ऐसा ही कोई भी आपका क्लोज्ड रीजन है, कोई भी जगह है, इसके अंदर का जो स्पेस है, ये वाला जो इसका अंदर का स्पेस है, ये आपका क्या होगा? एरिया होता है। और जो उसकी बाउंड्री लेंथ थी उसको हमने पढ़ा था, जो बाउंड्री की टोटल लेंथ है उसको हमने पढ़ा था पेरीमीटर, और जो इसके इनसाइड है, अंदर है, वो आपका एरिया हुआ। अब इस एरिया को हम फाउंड कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे कि किसी ज़मीन का एरिया कितना है? तो जब भी हम एरिया निकालते हैं वो आपका निकल के आता है नंबर ऑफ स्क्वायर में। वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, वो आपका मीटर स्क्वायर हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, वो अलग अलग यूनिट उसकी हो सकती है। जैसे हमारे इसमें से निकाल लें ऐसे, जितने भी इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे, ऐसे जैसे हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, ये नंबर ऑफ स्क्वायर, इस टाइप के जो स्क्वायर बनेंगे, तो जितने भी ये स्क्वायर इसमें होंगे उतना ही इसका एरिया होगा। जैसे हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये आपका स्क्वायर बन गया। तो इसके कितने स्क्वायर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका एरिया क्या हो गया? 9 स्क्वायर यूनिट। यूनिट का मतलब यहाँ पे आपका सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, या किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। अब एक बात इसमें आप देखेंगे कि अगर स्क्वायर है तो इस साइड कितने बॉक्स हैं? 1, 2, 3। इस साइड कितने हैं? 1, 2, 3। यानी कि इसकी जितनी साइड होगी, जैसे इसकी साइड है 3 यूनिट और ये साइड है इसकी 3 यूनिट, तो स्क्वायर की तो सभी साइड सेम होती हैं। तो जब भी हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कोई भी आपकी एक शेप है जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, जब भी एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। जैसे अभी ये दिया था इसकी एक साइड 3 यूनिट है, ये भी साइड कितनी है? 3 यूनिट। तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया? 9 यूनिट स्क्वायर। हमने यहाँ पे 2 लिखा है, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, 9 यूनिट का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे काउंट करके भी देखा था ये भी कितना आया था? 9। तो यहाँ से जो इसका फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ स्क्वायर का, वो हो गया साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ऐसे ही आपका ये होता है कोई भी रेक्टेंगल, इसमें आप देखेंगे इसका एरिया कैसे निकलता है। तो ये लेंथ कितनी होगी इसकी? 1, 2, 3, 4। इस साइड इसके 4 बॉक्स हैं और इस साइड कितने स्क्वायर बॉक्स हैं यहाँ पे? 2। तो जो लंबे वाली साइड होती है उसको बोल देते हैं हम लेंथ, और इस साइड को हम बोल देते हैं ब्रेथ। तो जैसे यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई साइड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी? 4 यूनिट। ब्रेथ कितनी है? 2 यूनिट। तो कितना जगह? 4 × 2 = 8 यूनिट का स्क्वायर। आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है? 8 यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनका फॉर्मूला हो गया। आपको अगर बॉक्स दिया जाए तो सीधा आप काउंट कर लेंगे कि कितना इसका एरिया है। तो इसके बाद हम देखते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 16, 22 and 15 किलोमीटर। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकलेगा वो साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर। तो जब इनकी मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आप इसको सोल्व कर लेंगे। इसके बाद है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज रिस्पेक्टिवली लेंथ एंड ब्रेथ। रिस्पेक्टिवली लेंथ और ब्रेथ का मतलब है कि जो पहले दी है वो लेंथ है, उसके जो बाद में दी है वो ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों दी गई हैं, तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला आपको बताया था, जब भी आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है? 10। ब्रेथ कितनी है? 8। तो 10 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3।
फिल इन द मिसिंग वैल्यू। तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू एरिया होता है, तो 6 मीटर यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे जो सेकंड यूनिट होगी एरिया आपको दिया है 48, तो ये आप कैसे निकालेंगे, 6 से इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 6 से 48 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8, यानी कि 8 मीटर जो इसकी लेंथ होगी 6 मीटर होगी ब्रेथ। तो वैसे यहाँ पे आप 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 48 5 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दोनों ही ब्लैंक्स हैं, लेकिन जो इनका स्क्वेयर सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है तो कब आ सकता है, एक स्क्वेयर के केस में ही ऐसा हो सकता है कि किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई करें और उनका एरिया है। तो आपको यहाँ पे दी होगी साइड, और साइड क्या होगी वो 5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 = 25 स्क्वेयर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको 3 मीटर दिया है, और ये आपका जो लेंथ है ये आपकी ब्लैंक है इसमें, तो 3 से आप डिवाइड करेंगे 3 × 4 = 12, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 मीटर। तो इसके बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ड्रॉन ऑन स्क्वायर पेपर इन कॉलम 1 एंड मैच द कॉलम 2। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पे दिया है, तो आपको फाइंड करना है कि किसका एरिया कितना है, और यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका एरिया कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका आप मैच कहाँ पे करेंगे, 7 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे, तो आप ए को इसके साथ मैच कर देंगे। तो ऐसे ही इन क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे आपका बी जो क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फिगर शोन इन कॉलम 1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है एरिया, और यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। विच शेप कवर द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वेयर, तो ऐसी कौन सी शेप है जिसमें ज़्यादा एरिया कवर होता है, तो आप इनमें से देख लेना जिसका एरिया जिसमें नंबर ऑफ स्क्वेयर ज़्यादा होंगे, तो भाई या तो आपकी ए शेप होगी या बी सी या डी, इनमें से कोई होगी, तो आप देख लेना। विच शेप कवर द लीस्ट एरिया, लीस्ट होता है सबसे कम एरिया कौन सी शेप में होगा आपका, तो आप में दिख ही रहा है ये तो बिल्कुल शेप से, तो ये आपका 7 स्क्वायर सेंटीमीटर आया था ए शेप से, तो ए शेप में ही सबसे कम एरिया है। तो आप यहाँ पे इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन हैं इनमें आपका क्या फाइंड करना है कि ये आपके अलग अलग शेप दी गई हैं, इनमें से आपको कंप्लीट स्क्वायर यानी कि कोई हाफ नहीं होगा या हाफ से कम है वो नहीं, यानी कि जो आपके कंप्लीट स्क्वायर हैं उनको काउंट करना है ईच फिगर। तो फर्स्ट फिगर में कंप्लीट कहाँ है, तो यहाँ से तो कंप्लीट है ही नहीं, तो ये यहाँ से कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो और तो कोई आपका कंप्लीट नहीं है, तो इसमें कितने हो गए आपके कंप्लीट स्क्वायर 12 हो गए। तो ऐसे ही आप बाकी जो शेप है उनमें भी आपको काउंट करना है, तो काउंट करने के बाद लिखना है। इसके बाद आपके जो आंसर दिए गए, सर्कल द फिगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर है उसको आप टिक लगा देना, यहाँ पे सर्कल दिया तो आप टिक लगा सकते हैं। सी में दिया है कलर द फिगर कवरिंग लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि जिसमें कम सबसे कम कंप्लीट नंबर ऑफ स्क्वायर हैं उसको आपको कलर करना है, तो आप कलर कर देना भाई इसमें जो इनमें से सबसे कम एरिया जिसका होगा। तो इसके बाद है जो आपका क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट एंड टेक द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कट फिगर इफ इट करेक्ट। तो आपको यहाँ पे बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है, तो कितनी होगी, 1 2 3 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो एक साइड है इसकी एक की बात करें तो वो कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सी, इसमें से एक हमने निकाल लिया कोई भी सी फिगर, तो सी की लेंथ इसने कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर होगी सी की। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वन साइड 1 सेंटीमीटर के, तो 1 2 3 4, तो कितना होगा 4 सेंटीमीटर, इसकी मतलब ये क्या है करेक्ट है आपका सही है। इसके बाद है आपका बी, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर बी। फिगर बी में बाउंड्री कितनी होगी वो अभी इसमें आप देख लेंगे कि आपका जो बी है बी में इसकी बाउंड्री कितनी होगी। आप देखेंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ही 4 है, यहाँ पे ही 4 है, तो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी
फोर थ्री या ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन और एट्टीन, तो कितनी हो जाएगी, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा इसकी कितनी होगी, एट्टीन हो जाएंगी बाउंड्री की लेंथ जो है। तो इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर बी मोर देन द लेंथ ऑफ बाउंड्री ए, तो ए की कितनी थी, ए की आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगी 16, लेकिन बी की कितनी थी 18, तो वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा यस। सपोज दैट द फिगर ए इज कट ऑफ एज शोन बिलो, यानी ए फिगर है इसमें से काट करके आपको ये कोई भी डी फिगर बना लिया गया, वट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर डी, तो फिगर डी की जो बाउंड्री की लेंथ आपको काउंट करनी है, तो यहाँ से कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो कितनी होगी इसकी 18 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ आए होंगे, थैंक यू।